पीएम मोदी ने आज भोपाल में जो कहा सच कहा। पटना में मोदी विरोधी जमावरे की मेजबानी, ईमानदारी की एक झलक दिख रही थी। ये खबरें पिता को बकायदा सजायाफ्ता होकर सेकुलर राजनीति की ईमानदारी का चमकता हुआ सितारा बना हुआ है। लुटियन खैराती तो उसे पटना के जमावड़े का चाणक्य बता रहे थे। गजब है ये कि एक सजायाफ्ता अपराधी के लिए क्या कुछ किया जा रहा है, किस तरह जरा से मनीष, उसका हाँ महिमा मनीष जी, जरा मंडन किया। खबरों की खाली हेडिंग लोग पढ़वा दिए ताकि दर्शकों की याद ताजा हो जाए। हेडिंग पढ़ दीजिए बस। लालू हाँ परिवार 600 करोड़ के घोटाले में फंसा है, लैंड फॉर जॉब, और ये परिवार का मामला है, ये चारा घोटाला से अलग है मामला। लैंड फॉर हाँ जॉब केस में अब तेजस्वी को सीबीआई का समन, ईडी को 1 करोड़ कैश मिले थे इन लोगों के पास से, और और हाँ इतनी और मैं बेशर्मी से ये लोग इन तमाम चीजों को लेकर के इतनी बेशर्मी से मतलब अपने आप को ऐसे पेश करते हैं जैसे लग रहा कि पता नहीं क्या हो। इसके साथ ही जो दूसरी खबर है, और बिहार, तेजस्वी यादव को करोड़ों की बेनामी संपत्ति जब्त, तेजस्वी यादव की आयकर हाँ विभाग ने की कार्रवाई। और ये जब अपनी ये बीबी के साथ एक ऐसे कोठी में था जिसके बारे में ऑन रिकॉर्ड में ऐसे भ्रम फैलाया गया कि किसी कंपनी का है, बाद में पता चला कि वो तेजस्वी के की कंपनी है, इसको फर्जीवाड़े तरीके से, तो वही जब्त हुई थी मनीष जी। एक वही और जब्त दिखा हुई। दीजिए मनीष जी, दो खबरें और, खबरें जो हैं लालू परिवार की बड़ी मुश्किल, तेजस्वी के घर समेत 24 ठिकानों पर ईडी की रेड। और ये ये आदमी उस दिन सर दूल्हा ढूंढ रहा था और उस नौटंकी का हिस्सेदार था। और याद है आपको, बिल्कुल इसने कहा था कि मैं अब ठीक हो चुका हूं, मोदी को ठीक कर दूंगा। हाँ, ये सबसे खास बात है, कह रहा था मैं बड़ा फिट हुआ, मैं मोदी को फिट करूंगा। तो ये तो एक तो सुप्रीम कोर्ट सोचे कि जिसने इसको स्वास्थ्य कारणों से जमानत दी है, कि अभी अपने मुंह से कह रहा है वहां बैठ के चमक रहा है महफिल में कि मैं फिट हूँ, खुद कह रहा है कि मैं फिट हूँ और मोदी को फिट कर दूंगा। तो क्या इस आदमी की जमानत रद्द होनी चाहिए कि नहीं रद्द होनी चाहिए, ये जरा पहले सुप्रीम कोर्ट ये फैसला करे। तो ये तो उनका अलग मैटर है। और मनीष जी, ये तो इस परिवार के क्रम में जो वहां चाणक्य बना हुआ था, मेजबान बना हुआ था, और जिनको दूल्हा बना रहा था, उनके क्रम क्या है? 5,000 करोड़ का घोटाला तो सब जानते हैं कि वो उसमें, और खाली 5,000 घोटाले में नामजद होकर जमानत पे नहीं है माँ बेटा मनीष जी। दिल्ली, भोपाल और तमिलनाडु कहाँ कहाँ पे जो है, 4-5 शहरों में जो बड़े शहर हैं वहां पर नेशनल हेराल्ड की संपत्ति जब्त कर चुकी है ईडी। सैकड़ों करोड़ की है वो संपत्ति, वो जब्त हो चुकी है इनकी। ये जमानत पे तो बाहर रही है, लेकिन इन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जिसका आज मैं क्यों कह रहा हूँ कि मैं नरेंद्र मोदी ने आज जो कुछ कहा मुझको, उसमें बहुत ज्यादा दूसरे संदेश नजर आ रहे थे। जरा पीछे चलना पड़ेगा मनीष जी, कि एक आदमी 4 दिसंबर 2018 को दुबई से पकड़ के लाया गया था दिल्ली, और वो आज तक जेल में है। नाम है क्रिश्चियन मिशेल, अगस्ता वेस्टलैंड घोटाले में, 3,500 करोड़ के घोटाले में वो पकड़ा गया था, क्योंकि दलाली का वो किंग पिन वही था, उसी के जरिए पैसा इधर से उधर हुआ था, उसी ने पैसा खपाया था। और उसमें इस परिवार का क्या मामला है, ये तो आप लोगों ने बहुत सुना होगा मनीष जी, की वो आया था कि वो एक चिट्ठी जो लीक हुई थी वहां से, इटली से, कि एक फैमिली का जिक्र है, एक एपी का जिक्र है, एक एसजी का जिक्र है। ये तो अनुमान लगाया जा रहा था कि एपी से अहमद पटेल और फैमिली से गांधी परिवार का होगा, और एसजी से सोनिया गांधी होगा, ये अनुमान लगाए जा रहे थे मीडिया में। लेकिन एक घटनाक्रम ऐसा मनीष जी, उसमें अनुमान लगाने का कोई कारण ही नहीं है, उसमें सब कुछ साफ है। ये दर्शक जान लें कि 4 जनवरी को वो रात में उसको दुबई से लाया गया था, और वो ईडी की हिरासत में था। दूसरा दिन 5 तारीख को उससे एक वकील मिलने पहुंचा था। मैं इसलिए बता रहा हूं किस्सा ताकि आपको समझ में आ जाए कि नरेंद्र मोदी आज जो कह रहे थे और आगे वो क्यों कह रहे थे। वो अलजो के जोसफ नाम था उस वकील का, और उस वो वकील जो है कांग्रेस के लीगल सेल का राष्ट्रीय संयोजक था। और मनीष जी, उसको ईडी ने पकड़ लिया जब वो क्रिश्चियन मिशेल से मिल रहा था, तब उसको ईडी ने पकड़ लिया। तो वो हुआ क्या था कि जब वो उससे मिलने पहुंचा था क्रिश्चियन मिशेल से, क्रिश्चियन मिशेल ने उसको एक चिट पकड़ाई थी, और वो चिट उसने लेके अपनी फाइल में छुपा ली थी। ईडी सतर्क निगाह रहती है, तो ईडी देख ही रहे थे, वो एक महिला अधिकारी थी, उनकी निगाह पड़ गई, उन्होंने उससे चिट्ठी ले ली। तो उस चिट्ठी में क्रिश्चियन मिशेल ने कुछ सवाल सोनिया गांधी से पूछे थे, और उससे कहा था कि जाओ इसका जरा जवाब लेके आना अगली बार। तो क्रिश्चियन मिशेल का सोनिया गांधी से क्या लेना देना, अभी तक ईडी ने उसको डिस्क्लोज नहीं किया कि वो सवाल क्या थे, लेकिन वो चिट्ठी उन्होंने अदालत में प्रस्तुत की थी।
इसीलिए क्रिश्चियन मिशेल को पिछले 5 साल से जमानत नहीं मिल रही है। तो जरा सोचिए कि वो वकील बन के पहुंचा कांग्रेस के लीगल सेल का संयोजक, और वो जब गया तो उसने वो उसको पहुंचा क्या था, केवल उसको कुछ मैसेज लेना था, तो वो कुछ सवाल उसने लिख के दे दिए थे कि जाओ सोनिया गांधी से जवाब ले लो इसका, जो भी रहा होगा कुछ जो भी पूछताछ करनी होगी। तो ये कनेक्शन आप जोड़िए कि क्रिश्चियन मिशेल से सोनिया गांधी का क्या संबंध है, और क्रिश्चियन मिशेल उस अगस्ता वेस्टलैंड दलाली का सबसे मेन किंग पिन है। वो दोनों पार्टियों का एक तरह से पुल था दोनों पार्टियों के बीच में, और गांधी परिवार के लिए बहुत पुराना उसका, वो कांग्रेस के जमाने से उसका बाप भी यही काम करता था हथियारों की दलाली का, तो ये अपने बाप से ही उसने लिया था विरासत। वो अभी बंद है, तो 5 साल से उसको कोई अंडे देने के लिए नहीं रखे हैं नरेंद्र मोदी की सरकार। अब वो अंडे अब वो पब्लिक में आएंगे। तो अभी अगस्ता वेस्टलैंड का धमाका आप, मुझको लगता है आज जो तेवर प्रधानमंत्री के दिखे कि वो कोई बड़ा धमाका, अब वो क्रिश्चियन मिशेल वो जो रखा हुआ था एक शस्त्रागार में बम, वो बम अब फोड़ा जाएगा मेरे ख्याल से जल्दी, बहुत जल्दी, महीने 2 महीने के अंदर उसकी कार्रवाई सामने आएगी। क्योंकि क्रिश्चियन मिशेल के साथ साथ एक और पकड़ के लाए थे उसको, तो खैर वही इजराइल वाली शहरी में पकड़ के लाई थी एजेंसियां, उसको भी उसको यूएई से साथ नहीं दुबई से ही उठाया था राजेंद्र सक्सेना को, तो उसको तो उसके घर से अंडरवियर में पकड़ लाई थी एजेंसियां। वो एक वो उसका कभी ये लोग खैराती जिक्र नहीं करते, लेकिन वो भी बड़ा डेयर डेविल काम था अपनी एजेंसियों ने कि उसको अनाथ कोई लीगल पचड़े में फंसे बिना उसके घर से गए, वो नहाने जा रहा था तो उसको अंडरवियर में ही पकड़ा और ला के जहाज में ला दिया, इंडिया ले आए थे, वो भी इसी कांड में था। तो ये सब इतना खतरा उठा के जो एजेंसियों ने जो काम किया है, तो ऐसा थोड़ी था कि कोई शौक आया था, उनकी हॉबी थी ये सब करने की, एक दो उसके कुछ बड़े भयंकर परिणाम भोगने पड़ेंगे इनको। तो नरेंद्र मोदी ने आज जो कहा है, तो इसीलिए मैं थोड़ा विस्तार से बता रहा हूँ कि इसको खाली आप चुनावी लफाजी मत समझिए, ये सबको जेल जाना है। डीएमके वाला वो मंत्री अभी अभी उसको ईडी इनकम टैक्स ने पकड़ा है, जिसको आप लोगों ने देखा होगा 10-15 दिन पहले भो भो करके रो रहा था, वो गिरफ्त में है। तो वो सबसे खास बताया जाता है स्टेलिन का सबसे खास, स्टेलिन की सरकार में मंत्री, और जब करोड़ों की संपत्ति बरामद हुई है जेल चला गया, उसको जमानत नहीं मिल रही है, तो तार तो कहीं ना कहीं स्टेलिन तक जुड़े ही हुए हैं। तो ये मनीष जी ये ऐसा गठबंधन है कि नरेंद्र मोदी ने आज सबके नाम लेके गिनाया है, और उसमें से एक भी आदमी ऐसा नहीं है जो कह दे कि मेरा नाम गलत लिया। ये पूरी एक तरह से जो लालू यादव उस दिन दूल्हा दूल्हा कर रहा था ना, ये चोरों की बारात, देखो एक गाना था ना कि आगे आगे दूल्हा पीछे चोरों की बारात, तो अभी दूल्हा नहीं तय हो पाया लेकिन चोरों की बारात तो तैयार है, और उस बारात का जिक्र प्रधानमंत्री मोदी ने आज कर दिया, बाकायदे नाम लेके कर दिया, और ये भी बताया कि थोड़ी मोड़ी नहीं 20 लाख करोड़ की चोरी। उन्होंने कहा कि ये न्यूनतम है, न्यूनतम यानी इससे ज्यादा की हो सकती है, इससे कम की नहीं होगी। तो अब मजा आएगा खेल का मनीष जी, अब मजा आएगा खेल का। और वो फिर वही है कि अगर दूसरी तरह से बात कही जाए, तो अपनी चुनावी पारी की शुरुआत तो कायदे से नरेंद्र मोदी ने आज की है, और पहली गेंद पे छक्का मारा है, इनके सबके होश उड़े हुए। और मनीष जी हम लोग दूसरे तरह से डिस्कस कर रहे हैं, कुछ लोग इसकी तफरी ले रहे हैं, लेकिन जिनके नाम लिए हैं वो जान रहे हैं कि इसका मतलब क्या है। आज मैं 100% निश्चिंत हूं कि आज उनमें से कोई रात में सो नहीं पाएगा ठीक से। जरा सर नाम का सिलसिला जरा सर सुन लिया जाए एक बार, जो पीएम ने क्या नाम लिया है सर, तो मुझे लगता है कि वो क्लियर जो है वो हो पाएगा कि कैसे उन्होंने इन लोगों के जो नाम लिए हैं और कहाँ इन लोगों की बेचैनी छाई हुई है। एक एक चीजों को समझना इसलिए जरूरी है। इंटरेस्टिंग ये कि बहुत लोग शरद पवार का नाम लेना सबसे मुझे इंटरेस्टिंग लगा, जरा सुन लेते हैं कि पीएम ने क्या कहा और कहाँ डर दिखाया। गांधी परिवार के बेटे बेटी का विकास करना हो तो फिर कांग्रेस को वोट दीजिए। आपको मुलायम सिंह जी के बेटे का भला करना है तो फिर समाजवादी पार्टी है। अगर लालू परिवार बेटे बेटियों के हो उनका भला करना चाहते हो तो आरजेडी को वोट दीजिए। आपको शरद पवार जी की बेटी का भला करना हो तो आप एनसीपी को वोट दीजिए। आपको अब्दुल्ला परिवार के बेटे का भला करना हो तो आप नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट दीजिए। आपको करुणा निधि जी के बेटे बेटियों
पोते पोतियों का भला करना हो तो डीएमके को वोट दीजिए। आपको के चंद्रशेखर राव की बेटी का भला करना हो तो आप बीआरएस को वोट दीजिए। लेकिन लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनिएगा मेरे देशवासियों, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। अगर आपको अपने बेटे का, अपनी बेटी का, अपने पोते का, अपनी पोती का, अपने नाते का, अपनी नाती का, अगर आपको अपने परिवार के बच्चों का भला करना है तो आप वोट भाजपा को दीजिए। सर ये सुनाना इसलिए भी जरूरी था कि देश की जनता जागरूक हो, लेकिन आज उन्होंने छोड़ा किसी को नहीं। जिस शरद पवार का व्यक्तिगत रूप से वो बहुत आदर करने की बात करते थे, उस शरद पवार को भी। और सबसे जो मुझे लगा कि ये एक बार फिर से सुनने की जरूरत है, ये मोदी का तेवर बता दू। मैं आपके बीच में से पल करके बड़ा हुआ हूं, आपसे साथ काम करते करते आपने मुझे यहां पहुंचाया है, तो आज मैं भी एक गारंटी देना चाहता हूं। दे दो। अगर उनकी घोटाले की गारंटी है तो मोदी की भी एक गारंटी है। और मेरी गारंटी है हर घोटाले बाज पर कार्रवाई की गारंटी। हर घोटालेबाज पे कार्रवाई की गारंटी। सर क्या आपको लगता है कि लालू ने ये बात करके कि मैं तो फिट हो गया हूं, मोदी को फिट कर दूंगा, ये काल बन गया हर बेईमानों के लिए? लालू ने चालाकी में नहीं नहीं मनीष जी, लालू तो कहा तो ठीक ही, लालू तो फिट हो चुका, वो तो उसको पांच मामलों में सजा हो चुकी, उसने बाकी को फिट कराने का इंतजाम कर दिया कि मैं बच गया, ये कैसे बचे, तो इनका उनका इंतजाम उसने कर दिया। मनीष जी आज जो अभी आपने दो उसके पीस दिखाए, मैंने आज भाषण सुना बहुत ध्यान से, तो एक इस पे अभी हम लोग चर्चा करेंगे जो कर रहे हैं कि, लेकिन एक एक बात मैं दर्शकों से कहना चाहूंगा कि हम लोग अक्सर बात करते हैं, और मैं शुरू से पहले दिन से, आज से 6 महीने पहले से मैं कह रहा हूं कि 2024 का चुनाव नरेंद्र मोदी 303 पार करेंगे, ये मैं लगातार कह रहा हूं। मुझको किसी प्रकार की कोई शंका है ही नहीं, किसी भी प्रोग्राम में आपने सुना होगा मैं 303 प्लस की बात कर रहा हूं। लेकिन मनीष जी आज का जो ये भाषण सुना मैंने, खासकर ये जब दो पीस आपने सुना है, तो उसके बाद अब मेरी धारणा कुछ और बदल गई, क्योंकि आज तो नरेंद्र मोदी ने कैंपेन की शुरुआत की है, समझिए अभी आधिकारिक रूप से नहीं, लेकिन ये शुरुआत हो गई, और ये जो शुरुआत है ये बता रही है कि नरेंद्र मोदी के तेवर क्या हैं और क्या रहने वाले हैं, और ये 2024 का चुनाव वो किन तेवरों के साथ किन मुद्दों पर लड़ने जा रहे हैं। और अगर यही तेवर जब अगर यही तेवर की बात छोड़ दीजिए, निश्चित है कि आने वाले कुछ दिनों में या चुनाव से 2-4-6 महीना पहले इन तेवर में कम से कम आपको 10 गुना ज्यादा वृद्धि नजर आएगी, बिल्कुल अलग ही माहौल होगा। इन्हीं तेवरों के साथ इन्हीं मुद्दों पर चुनाव में गए, तो मैं जो कह रहा था 303 प्लस, ये संख्या 400 की तरफ बढ़ेगी, ये मुझको ये संख्या 400 की तरफ बढ़ती नजर आ रही है, इसमें कहीं अभी संदेह है नहीं। और ये आज मेरी बात कहीं नोट करके रख लीजिए कि इस पर बात करिएगा सितंबर के बाद, क्योंकि आज ये जून है, जुलाई अगस्त सितंबर 3 महीने रुक जाइए, 3 महीने तो चलेगा, और 3 महीने के बाद अक्टूबर से जो नजारा आप देखोगे तो आपको लगेगा कि हाँ मैं ठीक कह रहा था, 303 प्लस तो मैं कंफर्म हूँ जब से बोल रहा हूँ, लेकिन आज के बाद जो तेवर मैंने देखे, मुझको ये उम्मीद नहीं थी मनीष जी की आज के इस कार्यक्रम को लेके कि नरेंद्र मोदी इस तरह से शुरुआत करेंगे, तो उसके बाद मुझको लग रहा कि अब ये 303 प्लस से आगे ये रेल 400 की तरफ बढ़ रही है, ये 350 पे रुके, 450 पे रुके या 400 पहुंच जाए तो कोई ताजुब मत करिएगा, निश्चित मानिए, कहीं कोई संदेह नहीं रहेगा, क्योंकि अभी तक बिना तेवर के मैं कह रहा था,
अब तेवर के बाद मैं निश्चिंत हूं कि ये बहुत आगे जाना है, ये बहुत आगे जाना मामला, क्योंकि नरेंद्र मोदी के ये तेवर इन मुद्दों पर, और ये जो जितने खैराती ये पटना में जमा हुए थे जिनमें अभी से जूतालाल चलना शुरू हो गया है, उसका भी थोड़ा सा जिक्र करूंगा अभी बाद में, तो ये ध्वस्त, ये आपको सितंबर के बाद ध्वस्त पड़े नजर आएंगे, जैसे वो महाभारत खत्म होने के बाद लाशें पड़ी हुई थी कौरव पक्ष की, वही नजारा होगा महाभारत शुरू होने से पहले ही, ये सब अपने अपने कहीं पड़े मिलेंगे आपको, ये लड़ने की हैसियत में नहीं होंगे, अभी प्रधानमंत्री बनने का सपना तो बड़ी दूर की बात है। तो ये आज बहुत शुभ संकेत है, जो देश का भला चाहते हैं, पार्टी छोड़ दीजिए, जो देश का भला चाहते हैं, क्योंकि इस टाइप के लोग बनीजिए, इस टाइप के लोग विकल्प बनेंगे नरेंद्र मोदी का, इनके तो इनके चोरी चकारी भ्रष्टाचारी सबका इसका तो बड़ा जिक्र हो गया। एक और है मनीष जी, उनका जिक्र भी किया नरेंद्र मोदी ने, खैर उनकी हैसियत भी नहीं है, उनका जिक्र कर देते तो उनको महत्व मिल जाता। जब पटना में दो पहुंचे थे वो सांप नेवला, वो उमर अब्दुल्ला और मुफ्ती मोहम्मद सईद, वो उसकी बेटी महबूबा मुफ्ती, जरा गौर करिए मनीष जी, मैं शुरू से क्यों कह रहा हूँ कि 303 प्लस होगा, इनको जैसे आज इनका भ्रष्टाचार गिराया है नरेंद्र मोदी ने, इनको जवाब देना मुश्किल होगा, नीतीश कुमार हो चाहे वो ममता बनर्जी हो चाहे ये राहुल गांधी हो, पूरा देश इनसे सवाल पूछेगा कि ये लोग तुम्हारे इनके साथ सरकार बनाओगे तुम। मनीष जी उमर अब्दुल्ला कौन है, वो आदमी जिसका बाप कह रहा था कि अगर 370 नहीं लाए तो हम चीन की मदद लेके चीन से हमला करा देंगे हिंदुस्तान पे, ये वो उमर अब्दुल्ला उस फारूक अब्दुल्ला की औलाद है, वो मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी जो कहे जब नहीं, फारूक अब्दुल्ला ने खुद भी कहा था सर, फारूक अब्दुल्ला ने खुद कहा था कि हाँ, पाकिस्तान तो कमजोर है, हम चीन के साथ चीन से मदद लेंगे, ये हाँ वही कह रहे फारूक, फारूक अब्दुल्ला ही ने कहा था। और ये मुफ्ती मोहम्मद सईद ये कह रही थी महबूबा मुफ्ती कि तिरंगे को कंधा देने वाला नहीं मिलेगा अगर नहीं 370 मिलेगा। हटाई। तो ये लोग नरेंद्र मोदी का मतलब देश इनको विकल्प चुनेगा कि ये गैंग जो जो सीधे सीधे कोई चीन से हमला कराने की बात कर रहा है, कोई तिरंगे को कंधा देने की बात कर रहा है, और उसको चाहे राहुल गांधी हो चाहे नीतीश कुमार हो चाहे ममता बनर्जी हो अपनी खोपड़ी बिलाट के घूमेंगे, तो हिंदुस्तान में जिसका जिसका खानदान गद्दारों का होगा वही इस गठबंधन को वोट करेगा मनीष जी, जिसके खून में गद्दार जिसके रगों में गद्दारी का खून बह रहा होगा, वो फारूक अब्दुल्ला के दोस्तों को, फारूक अब्दुल्ला के सहयोगियों को, फारूक अब्दुल्ला के गठबंधन साथियों को इस देश की सरकार बनाने के लिए वोट देगा, अन्यथा जो जरा सा भी स्वाभिमानी व्यक्ति होगा, जिसको जरा सा भी अपनी मातृभूमि से प्यार होगा, वो अब्दुल्ला परिवार और मुफ्ती परिवार के दोस्तों को ये सत्ता नहीं सौंपेगा इस देश की। तो ये अब ये एक अलग से चैप्टर है। तो ये सब ये जो कैंसर पल रहा है पटना में है, ये कैंसर बस्ट हो जाएगा मनीष जी सितंबर, मैंने 3 महीने का समय दिया है, सितंबर आते आते अभी मैं कह रहा हूँ, आप कह रहे हैं या कुछ दर्शक कह रहे होंगे, अक्टूबर से आप तय मान लीजिए कि अक्टूबर नवंबर में पूरा देश कहेगा कि ये गाड़ी 400 की तरफ बढ़ रही है, 300 पे काम नहीं चलेगा। सर आपको क्या लगता है कि जिस तरह से मैं देख रहा था 20 लाख करोड़ की बात है, एक एक पार्टी के घोटाले गिनाए, महा घोटालेबाज कांग्रेस की, ना, ना, सबसे इंटरेस्टिंग था शरद पवार का नाम लेना, आप इन लोगों से आपने भी एक आंकड़े दिखाए पुराने रिकॉर्ड के, सबसे पैसे छीने जा रहे हैं, हम लोग जो अक्सर कह रहे हैं कि सजा, प्राइम मिनिस्टर मोदी इस देश के लीगल सिस्टम के झोल को समझते हैं कि लालू सजायाफ्ता अपराधी बना तब भी वो अस्पताल में रांची के मिम्स अस्पताल में पड़ा हुआ था, उसने सजा के बदले पटना में जो जो बिहार के बड़े पत्रकार हैं उन्होंने एक किताब लिखी हुई थी बंधु बिहारी, मैंने कई बार उस किताब का जिक्र करके विश्लेषण भी किया है, उन्होंने बताया जब रावरी को चीफ मिनिस्टर बनाया लालू ने और अंडर ट्रायल था लालू, तो वो बेऊर जेल जो पटना का है वहां वो मटन बनाता था, मीट आता था वहां पे बकरा काट के, लालू खुद वहां मीट बनाते थे, ये जेल हुआ करता था। ये पत्रकार जो हैं उन्होंने, शंकरशरण ठाकुर ने अपनी किताब बंधु बिहारी में साफ लिखा हुआ है। तो ये लोग सजा पाने के बाद भी अय्याशी करते थे, तो क्या आपको लगता है कि मोदी जान के किस देश का लीगल सिस्टम इतना करप्ट है, इस देश में सिब्बल और ऐसे ऐसे वकील हैं जो इनको राहत दिला देंगे, वो तो पैसे छीने जा रहे हैं, लेकिन सजा होना भी जरूरी है, आपको क्या लग रहा है कि लालू के बाद बारी किसकी आनी है और इन चंडाल चौकड़ी में क्या आपको लग रहा है कि 2024 के चुनाव से पहले, मतलब इस दिसंबर से पहले बहुत सारे लोग अंदर जाएंगे? हाँ बहुत सारे नहीं, जितने नाम आज नरेंद्र मोदी ने नाम लेके क्योंकि गिनाया है तो वो तो अपना नाम पक्का समझ ले कि उनका नाम तो लिस्ट में जो है वो रजिस्टर्ड हो गया कि उनको जाने जाना है।
और मैंने बताया था कि ये 2018 से जो क्रिश्चियन मिशेल पाला जा रहा है तिहाड़ जेल के अंदर दामाद की तरह, वो इसीलिए पाला जा रहा है। वो अभी इन सबको जेल भिजवाएगा, कोर्ट में खड़े होके बयान देगा। मनीष जी जरा सोचिए कि उस आदमी की क्या स्थिति होगी। दर्शक जरा समझे कि वो हिंदुस्तान का आदमी नहीं है, वो दुनिया का नंबर एक का टॉप फाइव जो हथियारों के दलाल है उनमें से वो एक है। दुबई में बड़ी लग्जरियस लाइफ वो जी रहा था और वो पिछले 5 साल से तियाड़ के चबूतरे पे दो कंबल एक लोटे के साथ जिंदगी गुजार रहा है, एक लोटा एक तसला। तो समझ लीजिए कि वो उसकी क्या हालत हो गई होगी, जो जो वाटर बेड पे एयर कंडीशन 5 स्टार होटलों में अपनी रातें गुजारता था, वो दो कंबल मिले हैं उसको, एक वो चबूतरा तियाड़ का, तो उसकी कमर और कंधा सब सीधा हो गया होगा 5 साल के अंदर। वो किसी भी तरह से अब अपना प्राण बचाएगा कि मुझको मुक्ति दो, इनको भेजो अंदर। तो वो जिस समय बुक खोलेगा, और उसमें मनीष जी हाँ एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज रह जाए, आपकी एक इच्छा समझौता पूरी हो जाएगी, क्योंकि क्रिश्चियन मिशेल के अगस्ता वेस्टलैंड में ही इसका जिक्र होता है जब भी होता है कि उसके बयानों का। उसके दो बयान और हैं, एक हिंदुस्तान का बहुत बड़ा संपादक, उसके लड़के की विदेश में पढ़ाई का पूरा खर्चा क्रिश्चियन मिशेल ने ही उठाया है, ये समझ लीजिए। वो जिसका 56 करोड़ की कोठी है, नाम उसी का आ रहा है, क्योंकि अभी डिस्क्लोज नहीं किया गया इसलिए ले नहीं रहा हूं, दर्शक समझ जाएंगे जी, कि उसके लड़के उसके उसकी औलादों की पढ़ाई विदेश में वो क्रिश्चियन मिशेल ही फीस फीस और हॉस्टल का पैसा वही दे रहा था। इसने अब कहा था कि मेरा कटा मेरा जो है मेरे दादा ने कटवा दिया मुझे। हाँ हाँ वही 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 वही। आईपीएस इसका दादा था। हाँ, और एक एक अमाउंट आया था कि करीब करीब इस अगस्ता वेस्टलैंड सौदे में उसने 50 करोड़ रुपया लुटियन मीडिया के दल्ले संपादकों को दिया था, समझिए उस दलाली की रकम में से 50 करोड़ रुपए। तो वो भी सब दर्ज है, वो भी सब दर्ज है, और इसीलिए इनके खलबली मची है। उसमें उसमें भी एक इशारा कर दूं, मनीष जी के जो नियमित दर्शक है वो समझ जाएंगे कि उसमें एक बड़ा नाम उछला था सोनिया गांधी के देवर का, तो वो जहां तिहाड़ी आजकल रोटी का तोड़ रहा है। तो ये सब लोग इनके सबके बहुत बुरे दिन आने वाले हैं, और ये आज बहुत लोगों की रात की नींद उड़ जाएगी मनीष जी, उनको नींद नहीं आएगी, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने जिस अंदाज में कहा है, और वो क्योंकि इन्होंने ही इस स्थिति में ला दिया कि अब उनकी ये जरूरत हो गई थी कि अब इनको इसी तरह से निपटाया जाए, तो देश के लिए बड़ा शुभ संकेत है।